SEITU, किसान सभा, SFI, DYFI, महिला समिति और ऐसे जो जनवादी संगठन हैं मिलकर जो आज कोरोना की इस वैश्विक महामारी के दौर में जिस तरीके से आज पूरे मजदूर वर्ग पर आफत आई है और ख़ास तौर पर जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, खेतीहर मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, छात्र नौजवान हैं, सभी किसी न किसी रूप में कोरोना महामारी के चलते प्रभावित हुए हैं। और जो अभी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो रिपोर्ट आई है ILO की, वो बड़ी अपने आप में चौंकाने वाली है, क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर 3 अरब 30 करोड़ मजदूर काम करते हैं, उसमें से 2 अरब 70 करोड़ मजदूर जो हैं इस कोरोना महामारी के कारण पीड़ित हुए हैं और किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए हैं। ये भी ILO ने आंकड़ा जारी किया है कि जैसे ही कोरोना का ये मसला निपटेगा, लगभग 19 करोड़ मजदूरों की पूरे दुनिया में नौकरी चली जाएगी। और हिंदुस्तान की स्थिति भी इससे कुछ अलग नहीं है, क्योंकि पूरे दुनिया की जितनी श्रम शक्ति है उसका 15% के करीब हिंदुस्तान में भी उसका एक हिस्सा काम करता है, और उसमें ख़ास तौर पर जो असंगठित क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र के अंदर जो मजदूर काम करते हैं, चाहे वो मनरेगा के रूप में काम करते हैं, चाहे वो निर्माण मजदूर के रूप में काम करते हैं, चाहे वो योजनाकर्मी के रूप में काम करते हैं, चाहे वो दूसरे दायरों में काम करते हैं, ये मजदूर सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो आज हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 8 लाख मजदूर जो हैं असंगठित क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, जिसमें 5.5 लाख जो हैं मनरेगा के अंदर हैं, 2.5 लाख निर्माण मजदूर हैं, जिन 2.5 लाख निर्माण मजदूरों में से 1.5 लाख प्रवासी मजदूर हैं। ये प्रवासी मजदूर आज राशन के से भी वंचित हैं, आज उनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है, आज उनका पूरा काम चला गया है। और जिस तरीके के प्रयास सरकार की ओर से होने चाहिए थे, केंद्र सरकार ने जो अधिसूचनाएँ जारी की 20 मार्च को और 29 मार्च को, वो अधिसूचनाएँ लागू नहीं हो रही हैं। आज उद्योगों के अंदर हम देख रहे हैं ठेका मजदूरों को 22 तारीख के बाद कोई वेतन नहीं दिया गया है, उनको वेतन से वंचित कर दिया गया है। यहाँ शिमला के बीचों बीच में जो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्लांट है टूटू के पास भरियाल में, वहाँ पिछले कल जो मजदूरों के फ़ोन आए, लगभग 100 मजदूर काम करते हैं, उन मजदूरों की जो तनख्वाह थी लगभग 10,500 रुपया थी, लेकिन इस महीने केवल उनको 2,000 रुपया तनख्वाह दी गई है। इस तरीके से जो उद्योगों में मजदूर हैं उनका भी वेतन काटा जा रहा है, और जो असंगठित क्षेत्र के अंदर मजदूर हैं उनकी तो दिहाड़ी पूरी चली ही गई है। लेकिन सरकार की ओर से जो प्रयास होना चाहिए था, सरकार ने अपना पल्ला झाड़ दिया केवल ये कहकर कि 11 करोड़ रुपए की हमने राशि जारी की है, तो 8 लाख मजदूरों में से केवल 1.5 लाख मजदूर जो है वो कल्याण बोर्ड में पंजीकृत है, उन 1.5 लाख मजदूरों के लिए राशि जारी की, और 2,000 रुपये की जो बात कही, जब इसका हम बांटते हैं उस पैसे को तो केवल 55,000 मजदूरों को ये 2,000 रुपया मिल पाएगा, यानी कि 1.5 लाख में से भी पूरे मजदूरों को ये फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। उसके सिवाय जो लगभग 6.5 लाख मजदूर बसता है उसके लिए कोई सुविधा उस तरीके से नहीं मिल रही है। तो पूरे देश के अंदर यही स्थिति है, और जो छटनी की ओर जो है सरकारें बढ़ रही हैं। और सबसे दुख की बात यह है, इसी दौरान में केंद्र की जो मोदी सरकार है उसने एक फैसला ले लिया है कि जो 8 घंटे का कार्य दिवस था उसको बढ़ाकर जो है 12 घंटे कर दिया, जिसको गुजरात में लागू भी कर दिया गया। इसका सीधा मतलब ये हो जाएगा कि 24 घंटे की जो शिफ्ट, जिस तरीके से 24 घंटे में जो काम होता था जिन उद्योगों में, उनमें 3 शिफ्टें चलती थी 8-8 घंटे की, जब 12 घंटे का काम हो जाएगा तो 2 शिफ्टें चलेंगी, यानी 1 शिफ्ट का मजदूर यानी 1/3 मजदूर की अपने आप ही छंटनी हो जाएगी। और दूसरी ओर 8 घंटे के ऊपर जो मजदूर काम करता था पहले उसको ओवरटाइम मिलता था, डबल ओवरटाइम। जब इस तरीके की अधिसूचना अमल में आ जाएगी तो ओवरटाइम का जो पैसा है वो भी मजदूर को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके का पूरा हमला है, और शिमला के अंदर हम बीचों बीच देख रहे हैं।